एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में जानेंगे इंटर 12th बोर्ड परीक्षा 2021 के हिंदी अध्याय दो का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अध्याय दो का नाम है उसने कहा था, जो कि पूर्णतः NCERT पैटर्न पर आधारित प्रश्न होगा। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज का पहला प्रश्न है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो यह है कर्म प्रधान। ऑप्शन इस तरह से रहेगा, धर्म प्रधान, भाव प्रधान, चरित्र प्रधान। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा कर्म प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी, तो इनका सही आंसर हो जाएगा अध्यापन। गुलेरेजी कैसी कविताएं लिखते थे। गुलेरेजी कैसी कविताएं लिखते थे, देश प्रेम संबंधी कविताएं लिखते थे। उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने कहा था कहानी के कथाकार है। उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, ये शीर्षक का नाम है ठीक ना, लेसन 2 का। कहानी कब प्रकाशित हुई, तो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुलेरी जी का जन्म, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है लेसन 2 से ऑब्जेक्टिव का, वही इस वीडियो में लेकर आए हैं ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके सामने चला जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, जर्मनी के साथ हुआ था। जर्मन लप्टन को किसने गिराया। जर्मन लप्टन को लहना सिंह ने मार गिराया। क्वेश्चन नंबर 11, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नवंबर क्या था। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में जमीन दी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी किनकी रचना है। तो पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। इस तरह से उनके रचना संबंधी 4-5 आपको जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो उनके जितने भी रचना है आपके बुक में, जो ऊपर में कवि परिचय या लेखक परिचय वाला जो रहता है पेज, उस पेज को जरूर पढ़िए। उनमें उनका टोटल रचना लिखा रहता है ठीक है ना, और उनका जन्म लिखा रहता है, उनके माता पिता का नाम, उनका ईस्वी जन्म स्थान, ये सभी लिखा रहता है। उस पेज को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर का चित्रण है। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई, तो वजीरा सिंह के गोद में हुई। क्वेश्चन नंबर 18 है, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो बोधा सिंह था। क्वेश्चन नंबर 20, लहना सिंह के पद पर कौन था। लहना सिंह के पद पर जमादार थे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कैसी है, तो उसने कहा था ये कहानी का नाम हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, आज का लास्ट क्वेश्चन है, लहना किस कहानी का पात्र है। तो लहना, उसने कहा था कहानी के पात्र है। इस तरह से आपको क्या कर किया जाएगा, जब हम ये लेसन 2 बोल चुके हैं तो आपको यह कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है कि लहना किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था, क्योंकि यह इसी चैप्टर का हो रहा है।
लेकिन जब आपके एग्जाम में संपूर्ण चैप्टर का एक साथ ऑब्जेक्टिव मिक्स कर दिया जाएगा उस समय आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए अभी से ही इस सभी का नोट्स बनाइए, सभी को लिखिए और याद कीजिए। कम से कम आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग रहेगा तो सब्जेक्टिव भी इसी से माध्यम से एक दो नंबर वाला भी सॉल्व हो जाएगा और कुछ जानकारी मिले रहेगा तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी थोड़ा मोड़ा हल कर दीजिएगा तो अच्छी तरह से पास हो सकते हैं।